सो हेलो एवरीवन, अगर आप में से किसी ने पार्ट वन नहीं देखा है फॉर द सुलभ म्यूजियम का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट वन देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट टू फॉर सुलभ म्यूजियम। अब हम वाटर एजुकेशन साइट जा रहे हैं, यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको। चलो अंदर चले। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वाटर को आप कैसे रीयूज कर सकते हो, कैसे आप सेव कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ के जो संचालक हैं डॉक्टर विंदेश्वर पाठक, इन्होंने कैसे कैसे इस प्लांट को बनाया, जहां आज भी 2 रुपए में आपको 10 लीटर पानी उन लोगों को मिलता है जो गांव में रहते हैं, जो पहले नाले का पानी यूज करते थे पीने के लिए, बट आज वो इस प्लांट के थ्रू, जो उन्होंने यहाँ पर ये प्लांट बनाया है, उस प्लांट के थ्रू उनको एक प्योर पानी पीने को मिलता है। पर आपको 2 बोटल्स दिखेंगी, एक आपको येलो कलर की दिखेगी जिसमें यूरेन है, और इन्होंने इसको प्यूरिफाई करके व्हाइट कलर की बोतल पे आपको दिख रही होगी, इसमें प्यूरिफाई कर रखा है और आप इसको रीयूज कर सकते हो। तो यहाँ मीना मैम का फीडबैक दे रही है कि उन्हें यहाँ आके कितना अच्छा लगा, और उन्हें सच्चे में बहुत अच्छा लगा। गाइस देखिए, ये मैम ने बोला जो मैं करती हूँ ये वो है। सो गाइस शी इज राइट, ये मैं और ये दोनों करते हैं, और ये मेरा और ये इनका। क्या है ये, कौन सा वो है, मतलब कैसे, क्या नहीं समझ में आ रहा है सर। दिस इज लाइक गोले समथिंग, गोले अलाउड नहीं है बेटा, इसलिए कहते सुबह फ्रेश होकर आया करो। मैं फ्रेश होके आई, ठीक है। आपको पता है वैसे मेरे को इधर देख के क्या आ रहा है दिमाग में, क्या आ रहा है दिमाग में, मेरा पेट खराब होने लग गया। कर सकती हो आप? हाँ हाँ यूज कर सकती हो, बहुत मारेंगे वहाँ के लोग आके, टॉयलेट में खिलाएंगे। और इसके अंदर तुम नहा भी सकती हो, इसके अंदर इसका तुम नहाकर भी नहीं आई होंगे तो नहा भी सकती हो। तो गाइस यहाँ पर हमारी हरकतें दोबारा स्टार्ट हो गई हैं वीडियोस बनाने की, हम जितना मर्जी कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे अंदर जो कीड़ा है ना वीडियो बनाने का, वो नहीं जाने वाला, बाहर ही आ जाता है। आ रहे हैं घर, और हम लोग ऑटो ले रहे हैं अभी इस टाइम मेट्रो के लिए, ऑटो लिया है हमने, हम उतरेंगे मेट्रो पे। एक्सपीरियंस तो अच्छा था वैसे, ये सुलभ शौचालय का बहुत वहाँ पर बहुत ही यूनिक, वहाँ पर हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो मिली कि किस किस टाइप के टॉयलेट्स थे और कैसे कैसे हम वाटर सेव कर सकते हैं, सब तो हमें पता चला। तो अच्छा बताया आपने, लो बजट में, कोई भी एंट्री फीस नहीं थी इसकी, तो और हार्डली से हार्डली द्वारका मोड़ यहाँ तक आने बहुत ही 30 रुपीज आई थिंक मेट्रो, और 10 रुपीज ई रिक्शा, अपना व्हीकल है तो क्या ही बात। तो 1 घंटे में आप पहुँच जाओगे यहाँ पे, 1 घंटा मतलब आपके लोकेशन के हिसाब से। अगर गवर्नमेंट की बसेस यूज करने तो हम तो फ्री में, फिर तो फ्री फ्री फ्री, वैसे हमें थोड़ा खर्चा करना था इसलिए मेट्रो से फ्री और म्यूजियम भी फ्री, बट हमें सबकी लोकेशन का पता नहीं है ना, सबकी अलग अलग लोकेशन होंगी, तो हम तो द्वारका मोड़ से आए, अब आप देख लेना। चुगलियां एट द एंड वी हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद सुलभ, और हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आपको विजिट करना है तो आप जा सकते हैं, लो बजट है, कोई इतना एक्सपेंस नहीं है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।